हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लिली फ्लावर के बारे में। ट्वेल्थ आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम में लिली एसी फैमिली के आने की बहुत संभावना है, तो आज इसी के एक फ्लावर लिली का की बात करते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है लिलियम जिनेटियम। फैमिली इसकी लिलिएसी है। ये सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर है, मीन्स अकेला होता है फूल, टिप पे लगा होता है सबसे ऊपर। बाईसेक्सुअल है, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, इसका मतलब सेंटर से हम इसमें जब भी जितने भी कट लगाएं, ये हर बार इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। जैसे आप बॉल को बीच में से सेंटर से कितने भी कट लगाएं, हर बार इक्वली डिवाइड हो जाती है, वैसे ही। और एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है सर्कल के अंदर एक पूरा प्लस। और ये हाइपोगाइनस कंडीशन है, यानी इसमें ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर होती है, फ्लोरल पार्ट नीचे से निकलते हैं, फ्लावर के पार्ट पेरियंथ नीचे से होता है, निकलता है, और ओवरी ऊपर होती है। इसका जो पेरियंथ है वो 6 फ्री पेटलॉइड यानी कि टैपल है। पेरियंथ किसको कहते हैं, कैलेक्स और करोला दोनों को मिलाकर जब एक ही स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। इसमें कैलेक्स करोला अलग अलग नहीं होते, और पेरियंथ की जो सिंगलर फॉर्म है इसकी एक पत्ती को बोलते हैं टैपल। तो इसमें टैपल होते हैं, अरेंज होता है पेरियंथ 2 रोल्स में, 3 ऑफ ईच, तीन एक रोल में और फिर दूसरे रोल में तीन, यानी टोटल 6 टैपल होते हैं। इसमें एस्टिमेशन वेलवेट होता है। वेलवेट एस्टिमेशन का मतलब है कि जो पेरियंथ के मार्जिन है वो एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं। अगर हम नीचे से फ्लावर को देखेंगे तो इसकी जो पेरियंथ आपस में टच करते हुए अटैच है ना, वो एक दूसरे पर ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं और अंदर बाहर भी नहीं है, एक ही सर्कल पे हैं, एक ही रेडियस पे एक दूसरे को टच करते हुए, इसे बोलते हैं वेलवेट एस्टिमेशन। इसके एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट की बात करें तो उसमें 6 स्टैमेंस होते हैं जो कि 2 रोल्स में अरेंज होते हैं, 3 मेंबर होते हैं हर रोल में, टोटल 6 स्टैमेन इसमें होते हैं, और स्टैमेन की प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं एंड्रोशियम। और ये फ्री होते हैं और अपोजिट होते हैं टेपल के। एंथर बेस ही फिक्स्ड है, बेस पे फिक्स्ड है। डाई थिकस है, यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन है इसके एंथर में। इंट्रोज है, यानी अंदर की तरफ खुलते हैं ये, ना कि बाहर की तरफ, एक्सट्रोज नहीं है, अंदर की साइड ये गिरेंगे, पोलन गिरेंगे तो इंट्रोज है, इनका मुँह अंदर की तरफ होता है। और ओपनिंग इनमें लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से, दरार से होती है, खुलते हैं। गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट की बात करें तो ये ट्राई कार्पेलरी है, इसका मतलब इसमें 3 कार्पल है। सिन कार्पस है, यानी फ्यूज्ड है ये। सुपीरियर ओवरी है, ओवरी ऊपर होती है, और ओवरी ट्राइलोक्युलर है, यानी कि ओवरी को अगर हम काट के देखें तो इसके अंदर 3 चैम्बर मिलते हैं, और चैम्बर्स को हम लोक्यूल कहते हैं। इन चैम्बर्स के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, और बहुत सारे ओव्यूल्स हर लोक्यूल में होते हैं। ये 2 रो में होते हैं, और इसमें प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, यानी कि सर्कल में अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा जो है वो इस तरीके से मेम्ब्रेनस होगा कि 3 चैम्बर उसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे, और फिर बिल्कुल सेंटर से वाली पोजीशन से ओव्यूल्स निकल रहे होंगे, तो इसको एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिलिएसी फैमिली में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, AXILE। और इसकी स्टाइल जो है वो 3 लोब डिसमें स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा में 3 लोब होते हैं। फ्लावर जो होता है टाइगर लिली, लिलियम टाइडिजिनम, और स्पाइडर लिली आता है इसमें, उसे कहते हैं हाइमेन केलिस अमेरिकाना। तो अगर हम इसकी और डिटेल में बात करें तो लिलिएसी फैमिली में इनफ्लोरोसेंस अम्बेल होता है, और फ्लावर जो है पेडिसिलेट कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट यानी बाईसेक्सुअल है, और ट्राइमरस है, हाइपोगाइनस हो गया। पेरियंथ की बात करें तो 6 टेपल होते हैं, 2 रोल में, 3 के रोल में 2 रोल, 3 ईच। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टैमेन 6 होते हैं और 2 रोल्स ऑफ 3 ईच। गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोक्युलर है, न्यूमरस ओव्यूल मिलते हैं, प्लेसेंटेशन एक्साइल है। फॉर्मूले की बात करें तो EBR यानी कि ईब्रैक्टिएट है ये, एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल, पेरियंथ क्लोज्ड 3+3, एंड्रोशियम 3+3, गाइनोशियम क्लोज्ड 3, सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस कंडीशन। तो इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि इस पे EBR होता है,
एक्टिनोमॉर्फिक का साइन सर्कल में प्लस करके, बाइसेक्सुअल में ऊपर एरो नीचे प्लस सर्कल के, पेरियंथ को पी से लिखते हैं और 3+3 के चारों तरफ ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज्ड है, इसका मतलब ये क्लोज्ड हैं, फ्यूज्ड होंगे। और एंड्रोशियम 3+3 लिखा है, इसका मतलब दो रोल में है, एंड्रोशियम टोटल 6 है, 3 और 3 के रोल में है। गाइनोशियम क्लोज्ड 3 लिखा है, मतलब गाइनोशियम फ्यूज्ड है और आपस में जुड़े हुए हैं, और ओवरी इसमें सुपीरियर है यानी हाइपोगाइनस कंडीशन है, ओवरी ऊपर निकली हुई है, पेरियंथ उसके नीचे से निकले हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं कि मोनोकॉट है ये, कॉरिनरी है और लिलिएसी में आता है। इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बता दिए कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर इन्फ्लोरेसेंस आर अम्बेल, पेरियंथ पेटेलॉयड एंड टू ट्राइमरस रोल्स, स्टैमेंस 6 इन टू रोल ऑफ 3 ईच, ओवरी सुपीरियर एंड ट्राइलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल इन ईच लोक्यूल। तो हमें ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर इसके ध्यान रखने चाहिए कि इसमें अम्बेल, इन्फ्लोरोसेंस है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है और फ्लोर फार्मूला में पता होना चाहिए। इस फैमिली के कम 2 मेंबर हमें आने चाहिए, जैसे कि अनियन, एलियम, सेपा लिलिएसी फैमिली को ही बिलोंग करता है, और प्याजी जो है वो भी इसी को बिलोंग करती है फैमिली लिलिएसी को, एसफोल्डेलस टेन्यूफोलिस प्याजी, ये भी लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको सेक्शन कटिंग करके दिखानी होगी फ्लावर की, और ओवरी का सेक्शन काट के आप निकाल के रखेंगे इस पे, तो एग्जाइल प्रेजेंटेशन उसमें शो होगा। और फिर आपको जो पेपर है वाइट पेपर या ब्लॉटिंग पेपर, उस पे फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के उसके सारे पार्ट्स की लेबलिंग करनी होगी, जैसे फ्लावर में स्टैमेन और टेपल लेबलिंग करनी होगी आपको। और जब आप LS ऑफ फ्लावर काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बीच में से हाफ कट करके फ्लावर को काट के रखेंगे वाइट पेपर पे या ब्लॉटिंग पे, तो उस पर आपको लेबलिंग दिखानी होगी स्टिग्मा की, स्टाइल की, स्टिग्मा स्टाइल फीमेल पार्ट है जो, और टेपल की लेबलिंग, एंथर फिलामेंट की लेबलिंग, पेडिसिल जो नीचे की डंडी होती है फ्लावर की उसको पेडिसिल बोलते हैं, और ओवरी। फिर जब आप TS ऑफ ओवरी काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे ब्लेड से, हैंड लाइन से भी देखा जा सकता है और सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से भी इसको आराम से देखा जा सकता है। इसमें आपको 3 चैम्बर यानी लोक्यूल दिखेंगे ओवरी के अंदर, जिसमें बहुत सारे ओव्यूल, कम से कम एक चैम्बर में 2 ओव्यूल तो आपको दिखेंगे, टोटल 6 ओव्यूल। ओव्यूल से आगे चल के सीड बनता है, ओवरी से आगे चल के फ्रूट बनता है, और ओवरी की वॉल से फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प बनता है। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी आप लगा के उसमें रखेंगे, स्लाइड पर भी रख के दिखा सकते हैं और आप चाहें तो पेपर पर ही रख के दिखा सकते हैं, और जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। और फिर इसका फ्लोरल डायग्राम आपको बिल्कुल सही बनाना है, 3 मदर एक्सिस ऊपर एक पॉइंट बनेगा, फिर फ्लोरल डायग्राम में 3 आपको पेरियंथ बाहर एक सर्कल में दिखाने बना के, और 3 सर्कल के अंदर दिखाने हैं, दोनों दो पेरियंथ के बीच में अंदर तीसरा वाला दिखाई देना चाहिए। और फिर जो 6 आपके पॉलन वाला स्टैमेन वाला है वो 6 आपको बना के दिखाने हैं, और बिल्कुल सेंटर में फ्लोरल डायग्राम के आपने जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी काटा था वही वाला डायग्राम सेंटर में बनाना है, जिसमें कि आप पेरिकार्प दिखाएंगे, लोक्यूल को आप ब्लैक कलर से कलर कर देंगे और ओव्यूल उसमें छोटे छोटे वाइट 6 दिखा दें आप। तो इस तरीके से इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला आपको आना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है आपको पता है अम्बेल, और एक्साइल प्लेसेंटेशन ये आपको सब पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रखेंगे और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको आप कर लीजिए, बहुत आसान है ये, इसकी एक बार आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, लिली फैमिली, लिलिएसी फैमिली को और लिली फ्लावर को, और उसके क्वेश्चंस 2 इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जैसे कि प्याजी जो है वो यूज, अनियन जो है वो कहाँ यूज़ होता है, उसमें सब्जी बनाने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से सिंपल पेपर आएगा, आप आराम से कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। बेस्ट ऑफ लक।